हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का रायता, जो बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। तो लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है। इसको हमने धो लिया है, इसे अच्छे से अब पील कर लेंगे। इसके छिलके को उतारना है ऐसे पीलर से। और जब भी आप लौकी की रायता या सब्जी या कोई भी रेसिपी बनाए ना, ये चेक कर लीजिए कि लौकी कड़वी ना हो। कड़वी लौकी की कोई भी रेसिपी नहीं बनानी है। तो ये हमने काट लिया है, अब इसको हमें ग्रेट करना है। तो उसको इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, और ये काफ़ी जल्दी बन जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब क्या करना है कि जैसे हम इसका लौकी को कोफ्ते बनाने के लिए पानी निकालते हैं ना, उस तरीके से पानी वानी कुछ भी नहीं निकालना है। इसको हमें सिंपली कुक करना है। तो मैं 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में। गर्म होने पर मैंने इसमें लौकी का, जो ग्रेट किया हुआ लौकी है, वो डाल दी है। तो अब इसको हम भून लेंगे। तो इसको हमने तब तक पकाना है 8 से 10 मिनट तक, जब तक कि इसका जो पानी, जो इसमें वाटर कंटेंट होता है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और ये ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इसको तब तक कुक करेंगे। ऐसे डायरेक्ट रायता डालेंगे तो फिर वो कच्चा स्वाद आएगा ना। तो जैसे हम खीरे का डालते हैं, उसको डायरेक्ट हम ऐसे ग्रेट करके रायता डाल देते हैं। लेकिन लौकी का रायता बनाते हैं तो उसको पहले हमें कुक करना पड़ता है, ताकि उसका सारा कच्चापन निकल जाए और वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें पूरा कुक कर लेना है। तो अब ये हो चुका है, सॉफ्ट हो चुकी है लौकी, तो इसको निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में सारी लौकी निकाल ली है। तो अब हमें क्या करना है कि जो लौकी हमने ये निकाली है ना, इसको पंखे के नीचे रख दें थोड़ी देर तक, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसका रायता बनाना है। तो इसको अब हम क्या कर लेते हैं, जब तक लौकी ठंडी हो रही है, तब तक हम आधा किलो दही को हमने एक बोल में निकाल लिया है, और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, फेंट लेंगे अच्छे से। और बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ करना, खट्टा दही यूज़ मत करना, वरना फिर रायता जो खट्टा टेस्ट आएगा ना, इतना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये बिल्कुल फ्रेश दही है। अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है, ताकि इसकी काफ़ी गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा सा पतला हो जाए, ज़्यादा पतला नहीं करना है। बस ये देखिए, इस तरीके से। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल दिया है, नमक स्वाद के अनुसार, जो वाइट वाला सॉल्ट होता है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, और 1/4 चम्मच कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो डालिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और 2 हरी मिर्ची डाल दीजिए। मसाले बिल्कुल कम रखने हैं। पुदीना डाल दिया कुछ चॉप किया हुआ, और साथ में हरा धनिया, तो क्योंकि मसाले बहुत गर्म होते हैं और वैसे ही अभी समर का सीज़न है, तो हमें मसाले बिल्कुल कम, हल्के रखने हैं, हल्के खाने हैं, जो डाइजेशन में भी बहुत अच्छे लगे। तो बस अब इसमें लौकी जो हमने भुनी हुई थी, कुक की थी, वो डाल देते और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये रायता। और जब हम ये रायते को ना, जब दाल चावल या रोटी सब्जी कुछ भी हम बना रहे हैं, तो उसके साथ साइड डिश में रख सकते हैं। और गर्मियों में तो रायता, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इसको एक बोल में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो देखिए, बन के तैयार है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ते से इसको ऐसे गार्निश कर दीजिए, इसे देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और साथ में जो कश्मीरी लाल मिर्ची होती है ना, उससे मैंने थोड़ा सा चुटकी भर डाल दिया है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, बहुत डिलीशियस होता है, बहुत ही फ्रेश लग रहा है। साथ में एक पुदीने का पत्ता लगा देते हैं। तो अगर ज़रूर बनाइए ये रेसिपी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।